इस समय जम्मू में आइकन वीक फेस्टिवल चल रहा है और इस फेस्टिवल के दौरान आज अगर बात करें तो गंडोला राइड जो है वो रखी गई है और इस राइड के साथ साथ जो है डुग्गर प्रदेश की कला संस्कृति से रूबरू भी करवाया जा रहा है। और इस मौके पर हमारे साथ डिप्टी मेयर जम्मू हैं पूर्णिमा शर्मा जी। मैम, जिस तरीके से एक अच्छा इनिशिएटिव जो है डायरेक्टेड टूरिज्म की तरफ से लिया जा रहा है और इस इनिशिएटिव के दौरान हम देख रहे हैं कि डुग्गर संस्कृति को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्या मानती है कि किस तरीके से ऐसे इनिशिएटिव्स और लिए जाएं? जैसे कि मीडिया बंधु भलीभांति परिचित हैं कि ये आइकॉनिक वीक जो 23 से चल के 29 को कंक्लूड होने जा रहा है, आज मॉर्निंग से ही पहले हेरिटेज वॉक रही जिसमें सारे मंदिरों को इंक्लूड किया गया विद द प्रेजेंस ऑफ दिस वेरी स्टूडेंट्स और लोकल सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसी की दूसरी कड़ी जो है वो यहाँ पे हमारा जो गंडोला राइड को प्रमोट करने के लिए यहाँ से गंडोला राइड लेते हुए हम माया के चरणों में यहाँ अपने डुग्गर कल्चर को अवलोकन कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं और निहार भी रहे हैं। इतनी अच्छी टूरिज्म का इनिशिएटिव विद द कोलैबोरेशन ऑफ आर एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। हमारे यहाँ का जो व्यवस्था रही है स्पेशली हमारे जम्मू शहर की, ट्रेन जैसे ही माँ वैष्णो के चरणों में पहुँची थी तो यहाँ का टूरिज्म बहुत पिछड़े स्तर पे रहा, पिछली बैकफुट पे रहा और ये जो इनिशिएटिव आज लिया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कदम है। टूरिज्म को तो बढ़ावा देगा ही देगा लेकिन अपने कल्चर अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है, इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय। बड़ा प्यारा है। गंडोला की बात करते हैं मैम, गंडोला राइड का एक खासा इंतजार जम्मू वासियों को भी था और ये भी माना जा रहा था कि इससे टूरिज्म प्रमोशन काफी ज्यादा होगा, पर दिक्कत अभी भी कहीं ना कहीं कुछ है कि जिस वजह से जो यहाँ पर आवाजाही है वो काफी कम नजर आ रही है, उसको किस तरीके से प्रमोट करने का प्रयास? आपने देखा होगा कि ये वाला जो स्टेप लिया गया है स्पेशली गंडोला की राइड देते हुए यहाँ पर बैठ के अपने कल्चर का एंजॉय करने का, आई थिंक टू प्रमोट दैट वेरी राइड ताकि टूरिज्म भी बढ़े और स्पेशली गंडोला राइड यहाँ पे बच्चे अट्रैक्ट होके, जम्मू वासी अट्रैक्ट होके यहाँ पर आए और स्पेशली टूरिस्ट को भी ये पता चले कि यहाँ पे गंडोला एग्जिस्ट करता है। अगर हम जम्मू में एक दिन के लिए रहते हैं तो ऐसी कोई टाइम स्पॉइल करने की जगह नहीं है, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग एरिया। आप गंडोला राइड लेते हो, मंदिरों को निहारते हो, यहाँ के कल्चर से वाबस्ता होते हो, यहाँ के जो हमारा फूड है बेसिक डोगरा फूड है वो भी यहाँ प्रमोशन की जा रही है, उसकी बहुत सारा इनिशिएटिव हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लिया जा रहा है और स्पेशली केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं जो जम्मू के ऊपर फोकस करते हुए जम्मू नया जम्मू कश्मीर बनाने का प्रयास रहता है। बहुत तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है। इस समय हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर भी हैं पब्लिसिटी, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस फेस्टिवल की बात करें, आइकन वीक फेस्टिवल है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें बहुत सारे इनिशिएटिव्स नज़र आ रहे हैं पर खासकर ये गंडोला केबल राइड जो रखी गई है ये मुझे लगता है कि इससे जो गंडोला में एक फुटस्टेप जो काफ़ी कम नज़र आ रहा था उसमें भी प्रमोशन नज़र आई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये जो केबल गंडोला राइड है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते थे। अभी हमने मीडिया वालों को खास आमंत्रण दिया तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो नेचुरली इससे माउथ पब्लिसिटी भी होगी, प्रिंट पब्लिसिटी भी होगी, तो इस डेस्टिनेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पास में ही हमारा काली माता का मंदिर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है टूरिस्ट का, उनको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे गंडोला राइड है जैसे पंतटॉप है यहाँ पे भी है और ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी जो है जम्मू में अवेलेबल है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता था तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों की बात करें, जैसे ये फेस्टिवल है, कल पत्नीटॉप में भी एक बड़ा आयोजन होने वाला है, आने वाले दिनों में और क्या क्या इनिशिएटिव जो है डायरेक्टेड टूरिज्म जम्मू की तरफ से रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लहर जो है जिस नए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है शायद उसमें एक अहम योगदान जो है टूरिज्म जम्मू भी निभा रहा है। जी, आपने हमारी कैंपेनिंग में देखा होगा यूनिक इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके,
तो ये वाकई में यूनिक है। एक हफ्ते में हमने कई सारे प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कर दिए हैं और आगे भी करने जा रहे हैं अगले 3 दिनों में। तो ये सिलसिला जो है यहीं पे हम समाप्त नहीं करेंगे, इसके बाद भी हमारा एक प्लान बन रहा है जिसमें हम पूरे J&K में जो है वो प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 75वीं सालगिरह के मौके पे हम मना रहे हैं, तो इस पूरा साल, तो इसमें गवर्नमेंट की ये मंशा है कि 75 जो है 75 न्यू डेस्टिनेशंस को हम प्रमोट करें। उन न्यू 75 डेस्टिनेशन पे हम लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट करते रहेंगे, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म के रिलेटेड हों, चाहे वो कल्चरल रिलेटेड हों, फोक रिलेटेड हों, या फिर यूथ रिलेटेड हों। ये सिलसिला एक चलता रहेगा, इससे जो है टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट जरूर होगा। जम्मू वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू वासी शायद कहीं ना कहीं इतने सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने के बाद भी अपनी भागीदारी जो है वो जमकर नहीं दिखा पाते हैं, उनके लिए क्या? ये उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये बिल्कुल उन्हीं के लिए हो रहा है। जब हमारा यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट होगा तो J&K की इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी, तो उन्हीं का ये भागीदारी यहाँ पे जरूरी है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि जैसे आपने जो मीडिया से जो है वो रابطہ रखें, हम अलग अलग तरीकों से जो है वो पब्लिसिटी करते हैं, चाहे वो TV, रेडियो, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, सब में हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, मगर अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इन प्रोग्रामों को देखने जरूर आए। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये प्रोग्राम जो है बड़े ही प्लान तरीके से चल रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जिस तरीके से डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं, और ये एक वो इनिशिएटिव जो है आज के दिन लिया गया है, खासकर ये इनिशिएटिव जो है गंडोला केबल कार राइड जो है ये रखी गई है, और यहाँ पर आकर जो है आप अपनी डुग्गर संस्कृति के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, डुग्गर संस्कृति को जान सकते हैं, और अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने बच्चों को तो सिखाना बड़ा ज़रूरी है कि हम किस संस्कृति से जुड़े हैं, हमारा कहते हैं ना कि पीछे क्या है, वो सारी चीज़ें बताने के लिए जो है आपको जो है ऐसे फेस्टिवल्स का हिस्सा बनना होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे फेस्टिवल्स और ऑर्गेनाइज करवाए जाएं और उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी जो है जम्मू वासियों की भी नजर आए। तब तक के लिए आप भी जुड़े रहें द्यार्थ न्यूज़ के साथ।